दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे तीन तरीके जिसके माध्यम से आप अपनी गैस सब्सिडी को चेक कर सकते हैं, आपकी गैस सब्सिडी आपके खाते में जा रही है या नहीं जा रही है। जा रही है तो किस बैंक में जा रही है, आपका खाता नंबर क्या है, किस किस डेट को आपकी सब्सिडी रिसीव हुई है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। पहला तरीका होगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन करके सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा जिसके माध्यम से आप कॉल लगा करके अपनी सब्सिडी के बारे में पूछ सकते हैं, कितनी सब्सिडी आई है या आपकी सब्सिडी रिसीव नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत है उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तीसरा तरीका यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मोबाइल नंबर डाल करके डायरेक्ट या LPG ID डाल करके यहाँ पे आपको लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, तो उस तरीके से किस तरह से आप जो है गैस सब्सिडी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखते रहिएगा और इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसके बगल में दिया गया बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के तमाम यूजफुल वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लॉगिन की बात करें, किस तरह से आप लॉगिन करके आईडी बना करके हमेशा के लिए आपकी वो आईडी हो जाएगी, कभी भी आप चेक करना है तो उस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप MyLPG की वेबसाइट पर चले जाइएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पे MyLPG लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको सिलेंडर भी दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे तीन सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जिसका भी चेक करना है, भारत का करना है, HP का, इंडियन का, उसके ऊपर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। मेरे पास इंडियन का है तो इंडियन पर क्लिक कर देता हूँ, तो स्पेशली यहाँ पे मैं इंडियन पर फोकस कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको साइन इन और न्यू यूजर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी तक अगर आपने यहाँ पे अपना न्यू यूजर यानी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल डाल करके इसका स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आपने पहले से आईडी बनाई हुई है तो यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर दीजिए और साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम डालिए या फिर ईमेल एड्रेस डालने का नेक्स्ट क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइट पर, आपको ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री सब्सिडी ट्रांसफर्ड। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा डेट वाइज दिखाई देगा कब आपको गैस सब्सिडी मिली हुई है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो सब्सिडी है यहाँ पे आपको कितना कितना मिली हुई है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, 300-200 जितना मिला होगा और बाकी की बैंक डिटेल वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रही होगी। इस तरह से यहाँ से आप जो है कर सकते हैं चेक। तो एक तरीका हो गया है, चलिए अब दूसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों दूसरे तरीके से यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आप चले जाइएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पर दिया गया हो वेबसाइट पर जाने कर क्लिक करें, इसके ऊपर आप जो है कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको LPG पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ इंडियन का बता रहा हूँ, बाकी का स्पेशल वीडियो HP का या भारत का स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली प्रोसेस है वो इंडियन की है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ भी लिख देना है, आपको हिंदी या इंग्लिश में, जैसे आप ले सकते हैं माई सब्सिडी नॉट रिसीव या कुछ भी यहाँ पर आप लिख दीजिए हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। तो माई सब्सिडी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, ऐसे मैं लिख देता हूँ। केवल आपको ये सबमिट नहीं होगा, केवल मैं इसलिए लिख देता हूँ, देखिए लिख दिया, प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे आइए और नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सब्सिडी रिलेटेड पहले पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से नीचे कुछ ऑप्शन आपको खुल जाएंगे, सब्सिडी नॉट रिसीव्ड ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो आपका मोबाइल नंबर दिया गया होगा जब आपने कनेक्शन लिया था तब मोबाइल नंबर दिया होगा, उसमें मोबाइल नंबर जो भी होगा वो डाल दीजिए या फिर आप LPG आईडी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए, पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। काफ़ी बार दिक्कत आती है यहाँ पे पूरा दिखता नहीं, तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइड में कर लेंगे तो जो आपका पूरा सब्सिडी दिखाई देगी वो यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी प्रोसेस हो चुकी है।
अब दोस्तों तीसरी प्रोसेस की बात करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिलेगी, एक ही लिंक है। तो उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये नंबर दिखाई देगा, टोल फ्री नंबर। तो इस पर HP इंडियन या फिर भारत की कोई भी आपका सिलेंडर है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल लगा लीजिएगा और आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, समस्या सॉल्व करा सकते हैं। ये नंबर आप नोट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के, कॉल लगा करके आपकी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, कितना आई है, सब कुछ आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं जो लोग उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा।